चलो हम सोचे कि पहले थोड़ा वेट करते हैं, नहीं बनाते हैं शीट में डालते, बोल सच्चे बनाया, छोड़ो ये वीडियो है, साथ ही चल साथ ही डालते चलते हैं वीडियो में, बोले साथ ही डालते चलते हैं वीडियो में, है ना। धन्यवाद क्रियंस फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दिस। क्या है भाई, एलोक्यू जेन, वही लैपटॉप, वही लैपटॉप जिसको लेके हम बोले थे कि भाई रुको रुको सब रुको, हड़बड़ाओ नहीं, रुको थोड़ा सा रुको, इस लैपटॉप का वेट करो करो करो, कराते रह गए वेट, इतना वेट करा, इतना वेट करा कि सब पगला आ गए। ठीक है, घुसने से पहले 14700HX, कोई तगड़ा कोई कंपटीशन नहीं इसके, मतलब इन टर्म्स ऑफ बजट फॉर वैल्यू, तो यहाँ तक 1,04,000 के ऊपर इससे कोई बात ही नहीं। अगर 1,04,000 तक एलोक्यू जेन 9 आता है, दिमाग ही नहीं लगाना है, नहीं रिकमेंड होगा। ये है जेन 9, यहाँ से लेकर जितना टच कर पाए, है ना, इन सब के लिए अल्टरनेट। अगर थोड़ा परफॉर्मेंस कम होगा तो भी ठीक है, क्यों, कल बनाए थे वीडियो, नहीं बनाए थे कल ही, नहीं बनाए थे वीडियो जी, जिस वजह से ये डाले थे जेन 4 वाला लीजन सलीम AMD 2024 है, इसको जो दोबारा ऐड किया, लिखे ना मे बी फॉर बैटरी लाइफ एट कॉस्ट ऑफ CPU, फिर भी इसको रखेंगे यहाँ पे जस्ट फॉर दैट। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी साथ ही बनाते चलते हैं, पता है कि जो जो चीज़ दिखाएंगे बोलोगे भैया क्या है ये। जेन 9 आ जा भाई, बिल्ड किया जा। 8645, 8845 एज एक्सपेक्टेड, यहाँ नहीं यहाँ करते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, वही लैपटॉप हटा दोगे, बाप रे सबसे ज्यादा बिकने वाला लैपटॉप ही गायब कर दोगे। कमॉन कमॉन टर्न द रेडियो ऑन सैटरडे एंड आई वोंट बी लॉन्ग। अबे ये कहाँ है, ये लेना, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 6 बनाया गया टोटल जी, नहीं 5 बनेगा, 6 नहीं 5, बढ़िया राइजन 8845HS के साथ, नहीं वो क्या कहते हैं उसको, पहले तो रंग दिया जाए, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने पे तो मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ। जिसको समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, टाइम डाल देंगे सेक्शन में, इतना नहीं देखना ही जरूरत, मन था लाइव स्ट्रीम करे पर वो दिन रहा नहीं करने लायक। एनी बस, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ अपने प्रीत तो मुझे रंग दे। ओ क्या नाम, तुम क्या नाम रखे हो, वही नाम रखेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाता है। लेनोवो LOQ Gen 9, अच्छा इसीलिए उसको ये जेन और वो जेन किया है, अब समझे, ताकि दोनों में डिस्टिंक्शन हो सके। इसको अगर ऐड करें कार्ट में, इसका क्या सीरियल नंबर बनता है जी, कई बार चेंज कर जाता है। ओह इसका ADP 3000 है, नॉट 1000, इसका ADP 3000 है, और ऑफिस सब में 2000 रुपये का एक्स्ट्रा है, मन करे लीजिए, नहीं मन करे मत लीजिए। चार्जर इसमें हम अभी ही बोल रहे हैं कि नहीं लगेगा, हावेवर इसको हम लाल कर देते हैं, थोड़ा रिसर्च करेंगे तब बताएंगे। रैम, रैम का रेट क्या क्या था, रैम का रेट, अच्छा रुको 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 रुको, आई एम गोइंग अहेड ऑफ माई सेल्फ, कहते ना अंग्रेजी में, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को रुको, सरा हुआ बैग 100 रुपया वाला दे रहा है। कम ऑन कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन सैटरडे, बेकार कोड है, अच्छा कोड हमसे ले लेना, अच्छा ये बना ना 83DX, बस यही चाहिए था मॉडल नंबर पास। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे अपने प्रीत तो मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ अपने प्रीत तो मुझे रंग दे। जहाँ जहाँ दिमाग नहीं लगाना है पहले उसको देखो। विंडोज 11, कल भाई साहब हमको यूट्यूब पर कमेंट डाले थे कि भैया हमारा दुकान, रुको कमेंट दिखाने दो, ये कमेंट था कि भैया कन्फ्यूज़न है, कंप्यूटर रिपेयर करता हूँ, विंडोज 11 से प्रॉब्लम होगी क्या, हम समझे ही नहीं, अबे विंडोज 11 से क्या प्रॉब्लम होगा,
तब बोले कि आओ देखें जरा क्या डिस्कशन है। तो कोई ये कन्फ्यूज़न ये था, कंप्यूटर रिपेयर करता हूँ, इधर उधर का सेटिंग भी करता हूँ, तो 11 प्रॉब्लम कि मतलब कि रजिस्ट्री एडिट, MS कॉन्फ़िग, ग्रुप पॉलिसी जैसी चीज़ें होम वर्जन में नहीं आती, ठीक है ना। तो इस पर हम, और बोला क्या कि एंड्रॉयड नॉक्स, एंड्रॉयड सपोर्ट बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा वर्ड प्रेस वगैरह चलता है नहीं, वर्ड प्रेस आराम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या चीज़ बोले थे, एंड्रॉयड नॉक्स सपोर्ट स्टूडियो नॉट एन इश्यू, सेटिंग में जाना है, इंटेल में हो तो इंटेल वर्चुअलाइजेशन, AMD में तो AMD का वर्चुअलाइजेशन का जो भी नाम है उसको इनेबल कर दोगे तो बढ़िया चलने लग जाएगा, दोनों चलता है ना, विंडोज़ होम और प्रो से कोई डिफरेंस नहीं है, सिमुलेटर का मतलब वही, बाकी जितने सिमुलेटर सब उसी के अंदर आते हैं। ग्रुप पॉलिसी विंडोज़ प्रो का फीचर है, ग्रुप पॉलिसी इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ये विंडोज़ प्रो का फीचर है। लेकिन लेकिन जो जो चीज़ तुम ग्रुप पॉलिसी से करते हो मैक्सिमम चीज़ें तुम रजिस्ट्री एडिट से कर सकते हो, REGEDIT, मेरा विंडोज़ होम है और तुमको देख रहा है कि रजिस्ट्री एडिट खुल रहा है। कल ही विंडोज़ को पायलट को बंद किए, साला मूड ख़राब किए हुए था, कुछ बटन दबाते तो बगल में आ जाता था मूड ख़राब करने। हाँ, और उसके बाद MS कॉन्फिग, ये भी हम इसी में MS कॉन्फिग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये MS कॉन्फिग देखो आ रहा, सब कुछ है, सब ये है। और ये यही सोच रहा था कि 9000 रुपये डाल के विंडोज़ 10 पर ले, कुल मिलाकर हम बोले कि भाई यही सब बात जो तुमको बोले यही सब है कि विंडोज़ 11 मत लो, और अगर लेना होगा भी यहाँ से तो बिल्कुल मत लो लेनोवो से, ठीक है ना। है वेबसाइट्स वगैरह, अरे यार उस पर डिस्कशन करेंगे बाद में, कर गए है ऑफिस पे वो करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। क्या था ऑफिस प्रो, अच्छा यार उसमें थोड़ा सा वो करना है, क्या कहते हैं उसको, रिसर्च थोड़ा रह गया उसमें, रिसर्च कर रह गया, पैसा नहीं है, पैसा आएगा खरीदेंगे, देखेंगे कि जमीन मिला के नहीं बताएंगे, बस और कुछ नहीं। तो चुपचाप विंडोज 11 होम लो, प्रो ना लो, आगे चलिए। ऑफिस अगर कहीं से जेन्युइन मिल जाता है हम खुद ही वीडियो बना देंगे, अगर कहीं से इसके रेट से कम में मिल जाता है तो बना देंगे वीडियो, ठीक है ना। अरे बार बार जो वेबसाइट खोल रहे हैं, कहीं नहीं खुल रहा है, माई ऑफिस, ऑफिस प्रो गाइड क्या था, इसे करके था ना, अच्छा मिलेगा तो हम बता देंगे, क्योंकि खरीदिया नहीं इसलिए, खाली वो वेबसाइट देख के क्या करोगे, बिल्कुल स्कैमर निकले पालतू का, तो है ना। अगर ये लेना हो तो ले लो, और यही रीज़न है कि यहाँ पे 2000 रुपया ऑफिस का हम ऐड कर दिए हैं, ADP देख लिए थे 3000 पर, ठीक है आगे चलते हैं। इसको छोड़ के क्या है, तो इसको नहीं सेलेक्ट करने दिवाने, ले लो 16 GB। पता है लेने से पहले ना, एक तो हम अपना वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं, देखोगे ना टेक एक्सेसरीज कहाँ गए, लैपटॉप के बगल में है ना, टेक एक्सेसरीज DDR5 16 वाला कितने का है कि नहीं, ओह AMD है, ले लेना जितना ज़्यादा ले सकता, 4759 रुपये, यहाँ दे रहे हो 2700। अच्छा बोलोगे AMD है तो AMD से क्या मतलब, हाँ ये 8 GB RAM बड़ा दिक्कत होता है, तो कम से कम 16 लेना चाहिए, 8 मत लो। सवाल ये है कि 32 लेना चाहिए कि नहीं, हम तो कहेंगे ले लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अलग से बहुत लोग नहीं करना चाहता ये चीज़, है ना। यहाँ 2700 पहले ही देखना डिफरेंस कितना है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो यहाँ नहीं होता है, 2000 का डिफरेंस है ना, 2700 का नहीं डिफरेंस है, 2000 का डिफरेंस है। तो 2000 रुपया ही दोगे इसके लिए, और यहाँ टोटल 5 दे दोगे या 4.5 दे दोगे, तो क्या कितना दाम घटता बढ़ता है जी, यही रहता है लगभग, 4.5 भी जाता है कभी कभी, 2500 वहाँ लगाओगे तो ये वाला डैम लेके लगा सकते हो इसमें, ठीक है 5600 है, 5600 है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम लोगों का काम हो जाएगा 16 में तो हम उसी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लेना हो तो चुपचाप 8 लो या 16 लो। और अच्छा इस पर भी डिस्कशन हुआ था किसी से हमारा, वो किस में था, कौन सा नया लैंग्वेज है नया, कोई उसका मैसेज नहीं खोजेंगे तो बहुत डिटेल है उस मैसेज में, लेकिन कुल मिलाकर ये वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, फ्लटर वगैरह के साथ ऐप बनाता था, शायद फ्लटर ही था, तो बोला क्या कि मैकबुक सोच रहे थे लेने का, लेकिन रैम वगैरह की हमको ज़रूरत पड़ती है, तो रियलिटी यही है कि
कुछ लोग हैं तो उनको रियलाइज नहीं होता, लेकिन हैं ऐसे लोग कि साला एक डॉकर जो करते हैं ना डेवलपमेंट वगैरह, लोग पता होगा एक डॉकर कंटेनर चलाओ मर जाता है 16 GB रैम, है कि नहीं? एक डॉकर चलाओ, वीएस कोड चलाओ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि नो योर यूज, इसलिए तो इंस्टा बुलाते हैं। आओ ना, कुछ लोगों को हम 8 ही बोलेंगे लेने और बोलेंगे 16 16 2 खरीद लो, है ना, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज केस। खासकर जो लोग VMware वगैरह कराना चाहते हैं, और AMD है तो 4 GB तो तुम्हारा ऐसे ही है, ई 8 GB तो भूल जाओ कि तुम यूज़ कर पाओगे। 4 विंडोज़ खाएगा, 4 AMD खाएगा, है ना, फॉर IGPU। उसको सेटिंग छेड़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा, मत करना, ठीक है? तो एनीवेज 16 GB और मैक्सिमम लोग ये सेलेक्ट कर देना है, आगे इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। QLC TLC में 300 रुपये का अंतर है, दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे अगर और आता है 1 TB का भी ऑप्शन तो याद रखना, अगर TLC रहेगा तो वही प्रेफर करना। भले यहाँ पे 1 TB QLC क्यों ना हो, ये वाला सेलेक्ट कर देना, अलग से खरीद लेना, ठीक है? दिमाग नहीं लगाना है दोनों में। दोनों अच्छा स्क्रीन है, 100% sRGB, बट 165 Hz इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़िया है, इसका रिस्पॉन्स टाइम उतना नहीं है, प्लीज़ ई मत लो, है ना? ये 3000 रुपया, 3000 रुपया कितना, अगर 6000 रुपया लगता तो हो बोलते कि 6000 रुपया लगाओ, ठीक है? यहाँ पैसा नहीं बचाना, प्लीज़ ले लो, ठीक है? अब GPU और CPU में ही तो बनाना है, प्लीज़। और भाई बहुत बेकार कैमरा होता है, यही बेकार कैमरा, ये कितना बेकार होगा, चुपचाप 500 रुपया नहीं बचाना है, कर लो। कलर और कोई ऑप्शन इंडिया में नहीं देगा, सब बढ़िया है, सरफेस ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं देगा। दूसरा 4 जोन RGB 3200 रुपया, आ हा हा, लेकर दिखाओ, देखे कौन कौन है। अट्ठारह सौ सात ले लेते थे, 3200 रुपया, वहाँ पर 3200 रुपया में RAM ले लोगे, SSD ले लोगे, क्या क्या नहीं ले लोगे। अरे नहीं कुछ तो कीबोर्ड एक्सटर्नल खरीद लोगे, अरे माउस खरीद लोगे, नहीं तो हमको डोनेशन कर दोगे, बताओ। Wi-Fi 6 5.1, ये बहुत घट कुत्ता वाला काम किया है, लेकिन ये नहीं करेगा तो डिलीजेंस लीव नहीं बिकेगा इसका। 60 वाट आवर बैटरी, पावर कॉर्ड 170, इस पर करेंगे डिस्कशन। अच्छा 230 तो है ना, तो ऑफिशियली खरीद भी सकते हैं शायद, है ना? 8542 बस, दिमाग ही नहीं लगाया। तो बोला भैया ये क्या कर रहे हो, यहाँ डाल दिए हैं, यहाँ डाल दिए हैं, इन केस, इन केस अभी हमको चेक करना है ना, चेक आ गया, अभी हमको चेक करना है कि अच्छा चेक इसलिए आएगा कि रेट नहीं डाला, चेक हमको ये करना है कि 8845 HS पर काम होगा कि नहीं। थोड़ा सा लंबा काम है, उसके लिए सेकेंड वीडियो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, इस वीडियो में ऐड ही करने में पड़ते, बहुत लंबा हो जाएगा, लंबा भी हो जाएगा और थक भी जाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, कि 230 वाट का किया जाए या नहीं, है ना? वो वाला वीडियो देखे ही होगे तुम लोग, ये वीडियो का लिंक डाल दिया था ना डिस्क्रिप्शन में, वो वाला वीडियो देखे ही होगा, 170 में जिसको इतना ज़्यादा मिलने लग गया ना 170 पे 230 वाट वाले को, कि हम उसका अपडेट भी डालना भूल गया, पहले ना अपडेट डाल रहे थे किसको किसको मिला किसको किसको नहीं मिला, फिर सबको मिलने लग गया ये वाला जो वीडियो था ना। और कहाँ गया, नहीं रहा, मोस्ट पीपल गॉट, नहीं रहा, सबको मिल ही गया, हम किसको ऐसा मेरे ख्याल से नहीं रहा जिसको 230 वाट चार्जर नहीं मिला वो करने से। तो अगर वो इशू हुआ, कायदे से हमको ये नहीं डालना चाहिए, बट कहे कहे टोटल टोटल में रहने दो, तो 9 2 11 11 3 14 14 हज़ार तक एक्स्ट्रा लैपटॉप लेने के बाद मे भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना? ये जो 9000 है ये मे भी ना हो, उसके लिए हमको प्लीज़ समय दीजिएगा, हम बताएंगे आपको है कि नहीं लेने करना है कि नहीं। एनी वेज मूविंग ऑन, रैम रैम का लिंक चिपका दो जरा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, स्किन खरीदेंगे, हमको स्किन चाहिए, CS:GO मेटल नाइफ खरीदना, ज़्यादा महंगा नहीं, 1.5-2 लाख का। अच्छा एनीवेज, हाँ 0000 लिंक डाल दिया गया है रैम का। एनीवेज मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हो, फॉर्मूला जिस चीज के लिए यहाँ आप लोग आए हैं, एवरेज 23 डेज
पेंडिंग डेटा, ठीक है अभी तुरंत आया है, पहले का डेटा है, लेकिन हमको फिर भी एक बार गो थ्रू होने दीजिए सर, प्लेज प्लेज होने दीजिए प्लेज ना। ब्लू वाइट इसलिए करके रखे हैं कि नहीं हो पाता बस 12 डिग्री से। हाँ हरी वाला स्क्रीन है ना जी, कंफर्म किया जाए डिस्प्ले 100% 3 GB 358 IPS 1440 ठीक। रैम 16 GB ही दे रहे हैं, 8 में दिक्कत होगा। DDR5 5600 था जी, यस 5600 × 2 कस्टमाइज है, क्या दिक्कत, चेंज कर लेना नहीं अच्छा लगे तो। दाम कस्टमाइज है तो 10% कैशबैक ठीक, अच्छा कैशबैक भी कंफर्म कर ही लेते हैं, एक सेकंड अपना खोले जरा, करते चलते हैं चेंज करता रहता नहीं लोग, पता चला डिस्कशन किसी रेट पे कर रहे हैं, अभी तक खाना खाओ और फिर लगते हैं आने वाले दिल्ली है ना, खर्चा तुमको करना पड़ेगा पहले बता रहा हूँ, ना हाथ में पैसा नहीं। ऑल CTO मशीन अबे हटाओ 10% ठीक, लकी वाला मत देखना, ये उसके लिए है जो इमीडिएट डिलीवरी है, कस्टमाइज है 23 दिन एवरेज लगता है, अभी कल किस रखा था 40 दिन लग गया था, डाले हैं ना कल, डालते रहते हैं सबका पोस्ट डालते रहते हैं, सबको लगा था 14 दिन 15 दिन, एक तो पापी को लगा था, इसको 28 दिन लगा, इसको 47 दिन है ये आज तक मैक्सिमम लग सकता है भाई, क्या बोलेंगे इसको कितना दिन लगा कुछ बताया ही नहीं, इसको कितना दिन लगा था 10 मार्च को खरीदा 5 अप्रैल को आ गया, लिखबो नहीं किया कितना दिन लगा है ना, लेकिन हम बता रहे हैं लिखे चाहे कुछ भी है ना, अगर 8 वीक लिखे तो कम टाइम लग सकता है, लेकिन 1% रिस्क लेकर चलना है सर, वो रिस्क लेकर चलना है कि मे भी ज़्यादा लगे है ना, मे भी ज़्यादा लगे रिस्क लेकर चलना है, पिछले जन्म का पाप धुलेगा, तो बंद करो तो बंद करो। अब क्या डिस्कशन है, 8645HS 8845HS 3050 4050 4060 स्टार्ट किया जाए, फुल जैसम सिप सब में 2000 रुपये एक्स्ट्रा जुड़ेगा है ना, क्या कोड बेकार आंसर लेना कोड 8645HS और 8845HS, अच्छा ये डालने से पहले बाकी चीज़ डाल दिए हैं क्या, हाँ डाल दिए 8645HS 3 8845HS 3 8845HS 7840HS का रिप्लेसमेंट है ना, कन्फ्यूज नहीं होंगे 3060 4060 और 4050 4060 और 4050 6 6 8 6 8 हम गलती से इसमें 4050 को 4 GB लिख दिए थे, एक लड़का हमको मैसेज किया कि भैया आप 4 लिखे थे ना तो हम इसलिए ऑर्डर नहीं किए, फिर अगले दिन देखे तो वो 6 हो गया तब हम ऑर्डर कर दिए, अरे यार पूछ लिया करो गलती होती है इंसान है, भगवान क्या पता हो भी सकता है, नहीं बताएंगे मैस्कुरेडिंग एज अ ह्यूमन बीइंग 8645HS 3050 ठीक है, अरे वाटेज कौन कंफर्म करेगा पिताजी, वाटेज कंफर्म करिए सर, अरे किसी भरोसा नहीं है भाई लेने वो कौन नहीं है किसी भरोसा नहीं, अबे जाओ अबे निकलो जाने देगा, बहुत मन कर रहा है मंगा ले 3050 95 वाट 4050 95 वाट 4060 115 वाट चलेगा चलेगा, क्यों चलेगा क्यों चलेगा, 4000 सीरीज में उतना मैटर नहीं करता,
डाल दिए, हर चीज पर वीडियो डाल दिए, क्या टेंशन ले रहे हो हम, है ना। एनीवेज अच्छा लैपटॉप देखेंगे कुछ देर में, लैपटॉप देखेंगे कुछ देर में, ऐसे फोटो वगैरह से देख के सेम ही लग रहा है। है। अच्छा पोर्ट 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 इज इम्पोर्टेंट, पोर्ट इज इम्पोर्टेंट। एक बार रुको, हाँ एक बार रुको, थोड़ा सा रुको, ये एक्चुअल मेमोरी, अच्छा इस पर भी बना ही देते हैं, पिछले ईयर भी ऐसे ही माथा खराब किए हुआ था। बोलता पता क्या लिखा हुआ था पुराना वाला एलयू की, उसमें लिखा था कि 16 GB मैक्सिमम एक्सपेंडेबल, अभी 64 चला रहा है भाई साहब, जिसका लिंक किया देख लो जाकर। तो ये तो इग्नोर मारो, 1 TB 2 स्लॉट है ना, अब उसमें दोनों लगेगा भाई, सेम अपना वाला ही है। ये बहुत गंदा वाला काम किया है, देना चाहिए था 80 बार, लेकिन वही 80 देगा तो फिर स्लिम क्यों खरीदेगा कोई। और यही रीज़न है, ये जो बैटरी और ये CPU रीज़न है कि इसको कंसिडर किया जा रहा है राइट में जेन 0.1 और राइट में, हाँ एक USB A है दूसरा सी है, ठीक। पावर डिलीवरी वाला सीन तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कहता है कि 140 वाट से चार्ज आएगा, हम चला है हमसे नहीं चला, आपको बुझे नहीं आया क्या हुआ है, करना है इस पर भी डिस्कशन करना है, बोले हैं दो चार लोगों को देख करो ट्राई, नहीं हो तो बताओ हेरा, ये भी लगा देने। तो ये चीज़ को इग्नोर मारो, ये चीज़ को इग्नोर मारो कि 140 वाट पावर डिलीवरी से चल जाएगा, हाँ लैपटॉप स्लीप में कर देते हैं तब चल जाता है, लेकिन लगा के यूज कर पाना आई वुड से इसको, इस फीचर की वजह से इस पर पीछे मत भागो लैपटॉप के पीछे। एनीवेज हेडफोन ई सेटर ये तो बेकार है, ये बटन यहाँ पे बटन होना चाहिए ना जी, यहाँ पे क्या करेंगे बटन का, एडवांस ऑप्टिमाइज फिनिशिंग जी सिंह सब में दोनों स्क्रीन में लगने पटिन पट्टी पी लेना है सर, पैसा नहीं बचाएंगे यहाँ पर। स्वैपेबल कीज कैप्स आज तक तो मिला ही नहीं, पिछले बार भी था, ये सब बेकार। एक्सबॉक्स गेम पास के वजह से लैपटॉप नहीं उठाएंगे, ये सब हर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इस किसी चीज़ की वजह से नहीं उठाएंगे, इसको तो सबसे पहले अनइंस्टॉल मारेंगे समझे। और अच्छा इस बार दिया है 165 से 60 Hz FN प्लस आर्मी में है कि नहीं, हाँ हाँ आज पहली बार किया अब आज तक नहीं किया था अभी तो नहीं गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, हाँ चल रहा FN प्लस की, हाँ ये तो कर देरी करता रहता है, ठीक। स्पेक्स पोर्ट्स देखना चाह रहे थे एक बार, कुछ मेजर कुछ डिफरेंस नहीं ना, एक सेकंड रुकने ऊपर से देखा जरा। राइजन ये कैसा भाई, ओ आजकल तो मतलब जरा सब्जी वाला बोलेगा इसमें AI है हर जगह AI है। 2 चीज़ है जो उसमें तो मेन था, एक है बैटरी लाइफ, क्या इससे सही में बैटरी लाइफ अच्छा निकल सकता है, और दूसरा है थर्मल्स, क्या थर्मल सही रहता है कि नहीं, लग दिन वाइल गेम है ना बेटर रहता है कि नहीं, बाकी तो सीट में रहेगा यार वही वाला पंखा डिजाइन। ये कोई बोल रहा था कि फिजिकल चिप है, हम भी देखे था तो, लेकिन छोड़ो पंखा लगाना था, चिप लगाने से क्या होगा, जो पंखा लगाते हैं ये अपना है क्या, इसी का अपना स्टैंड है क्या, इसे दिखा रहा है क्या सही में, दिखाना डॉकिंग स्टेशन माइक स्टूडेंट के लिए क्या एक्सेसरीज होता है जी, दारू सुट्टा, हाँ कुछ सही नहीं स्टूडेंट के लिए स्पेशली कैसे हुआ है, हम समझे नहीं लॉजिक आपका, जल्दी वहाँ से हटो, केसेस बैक चार्जिंग बैटरी सब इसी के अंदर आए, बाकी सर समय बर्बाद ही, आ जाओ मेन खेल पे ढिंडोरा पिटा जाए। दाम दाम एक सेकंड देना जरा, लिंक लेके आया, लिंक ना बोलना, वही नहीं करोगे तो नौकरी करना पड़ जाएगा, बिल्कुल मन नहीं होगा नौकरी करने का सर, माफ करो
8645 HS 3050 कितने का बता रहा हूँ, 83991 प्लस 2000 रुपये, 85991। और जो बोलोगे भैया दाम कैसे कम हो गया, 85991 एक बार दिखा रहे हैं, सब मैंने दिखाएंगे। ADP दाम बढ़ गया सर, इसमें ADP बैग के साथ इतना टोटल पड़ जाएगा 89,000, कूपन डिस्काउंट इतना दोगे, कार्ड तुमको पे करना होगा इतना 83,000, क्रेडिट कार्ड कैशबैक 45 दिन बाद आफ्टर डिलीवरी तुरंत नहीं, 8,200 इफेक्टिव प्राइस ADP के साथ 75,000। हम विदाउट ADP लिखते हैं ताकि तुम दूसरे ब्रांड के लैपटॉप से कंपेयर कर सको, 71.6 है ना, तो हम ऊपर कर देते हैं, राउंड अप करते हैं, राउंड डाउन नहीं, ठीक है। तो ये पड़ गया तुमको 72,000 का। अरे यार सीपीयू का परफॉर्मेंस ही नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, उससे घंटा करेंगे 86। है ही नहीं क्या, अरे 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 हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, 83DD कौन सा लैपटॉप वो है क्या, स्लिम नहीं नहीं किसी को नहीं दिया, 8845 83DD नहीं चला है, नहीं चला है ये लैपटॉप, नहीं आया है, नहीं आया है। अच्छा हम इसको लाल कर देना है, लाल का मतलब दैट दीज आर नॉट एक्चुअल स्कोर्स है ना, दीज आर नॉट एक्चुअल स्कोर्स, हमको लेके आना। अच्छा इसका स्कोर है तो अपने पास यार, अरे हम ही तो वीडियो सबका शेयर किए हैं, दो मिनट दो भी लेके आते इसको, शीट में डाला तो हुआ यार, क्या हमने जो बोलेगा ना शीट का लिंक कहाँ है, अबाउट में होम पर पड़ा हुआ है, जब खोज लो बेंच R23 1772 और 17628। कम से कम इसका तो है 1772 का मतलब 1800 रख लो, 17628 है ना, तो एटलीस्ट अपने पास ये है, ये एक्चुअल स्कोर है, इसको लाल नहीं करते हैं, लेकिन ये सब एक्चुअल स्कोर नहीं है, इसका जो स्कोर होना चाहिए मेरे ख्याल से 87640 HS के आसपास होना चाहिए ना, देखेंगे खोजेंगे, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई 7640 HS का कोई नहीं डाले हो क्या स्कोर, 78 है ये, मेरे ख्याल से हम खुद ही नहीं डाले कभी, मतलब सिनेबन 423 उतना देख पूछते ही नहीं था सर, सिनेबन 423 जाने दो, गेक बैंक डाल रहे हैं, गेक बैंक डाल रहे हैं, आपको पता है इसी के अराउंड आएगा, सेवन एट का जब आ जाएगा एग्जैक्ट तो यहाँ लाल पीला कर दिया जाएगा, यहाँ तो नहीं पता नहीं मिल रहा, जाने का टाइम स्पाय होगा जल्दी आया होगा, देखता अप्रोक्सीमेट डालिए सकते हैं 8645 देखा कुछ है, 8645 के साथ 4060 4050 14 को टोटल रिजल्ट है, 14 को में 3 को आदमी का रिजल्ट है, और आई डाउट इनमें से कोई भी लेने वो होगा, HP का है मिस्टर पोस्ट गेमिंग, और कौन है डजायू एसुर का है, HP का है, थर्टी फिफ्टी है किसी के पास नहीं है तो अंदाज ही करना पड़ेगा, 3050 का क्या था, 7640 का HS के साथ क्या था, 6000 डाले हैं, जस्ट टू बी सेफ 5600 डाल देना, एग्जैक्ट आ जाएगा तो अपडेट कर देंगे, 4050 का क्या था 76, अच्छा ये तो देखे नहीं मैं, ये 86 के साथ चेक किया ना, 8845 HS
ये हो सकता है, वेरी चाइनीज लैपटॉप, मैं भी लपस हो, मैं भी लपस हो। इनोवेशन नहीं जानते हैं, इनोवेशन नहीं जानते हैं। एनवी और सॉरी 4070 Ti सुपर लैपटॉप के साथ दूसरा जीपीयू लगा नहीं देते। 3050 नोटबुक पे लिया है, कोई नहीं लिया, इसको भरो और आगे चलो, पता था कोई नहीं लिया होगा। ओ सॉरी 8845 के साथ तो है ही नहीं, 3050 4050 है ना इसके साथ। सब गड़बड़ा गया। म्यून का जे डी एफ एच प्रेरणा नहीं आई है, नहीं आई। असुर असुस असुस नहीं है एग्जैक्ट स्कोर्स, लेकिन आई थिंक जहां से ये निकाले हैं, अरे अबे सामने तो रखा हुआ, क्या हम भी जीपीयू 11400 4060 का यार, पहले जैसा ही है। अच्छा इसका थोड़ा कम होगा मुझे ये है ना, अगर हम अंदाज करें अभी लेने देते हैं, अभी रहने देते हैं 11400, लेकिन आई थिंक थोड़ा कम होगा। सीपीयू से फर्क पड़ जाता है, भले ही ये केवल ग्राफिक्स का स्कोर है, फिर भी सीपीयू से फर्क पड़ जाता है थोड़ा। और क्या हम 8845 4050 नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, अंदाज से डाल देते हैं 4050 कितना था लास्ट टाइम। नौ हजार डालें, हो गया। अब वैल्यू प्रोपोजिशन पता चलेगा, 72,000 अब थोड़ा सही लगेगा देखने में। अगला कॉम्बिनेशन 8645 के साथ 4050 करीबन हो जाएगा सर, 86 के साथ 4050 93550 प्लस 2000 95550। अगला 4060 102319 104319। अगला 78845 के साथ 3050 नहीं है, नहीं है एज एक्सपेक्टेड। 4050 का पड़ जाएगा 102029। अगला है 108 8 में 9 10 11 0 7 9 7। आह धन्यवाद, 70,000 से 90,000 तक लैपटॉप फाइनल। अच्छा रुको रुको, इतना जल्दी हमको नहीं उछलना चाहिए। अरे होता, हम बताते क्यों हम उछल रहे हैं। मैक्सिमम लोग बच्चा लोग होता है कॉलेज वाला है ना, मैक्सिमम होता है कॉलेज वाला, और सब सोचता है कि भैया थोड़ा भी बैटरी चल जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम बोलते हैं कि मतलब गेमिंग लैपटॉप में नहीं चलेगा बैटरी, तो बोलता है नहीं भैया थोड़ा भी चल जाए तो थोड़ा भी के चक्कर में ये थोड़ा अच्छा रहेगा। देखा जरा गड़बड़ आ गया फॉर्मेटिंग, ठीक है। कहाँ कहाँ आया AMD, पूरा खिचड़ी कर दिया। 72,000 पे, 80 पे, 85 पे, 87 पे और 93 पे, द हेल। अच्छा इन दोनों के बीच में लाल लाल का मतलब है अभी डेटा नहीं आया है, फिर भी प्रिलिमिनरी डेटा पे अगर देखा जाए ओवरऑल वैल्यू में है ना, अगर सीपीयू मल्टी कोर और जीपीयू का जो स्कोर है दोनों को अगर बराबर दिया जाए ओवरऑल वैल्यू में, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू अभी भी है 13450 450 और 450 के साथ 4060 4050 और 3050 3050 क्विक डिलीवरी वाला, ये तीन। लेकिन 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 8645 और ये भी आस पास ही है, बहुत अंतर नहीं है, देख रहे हो 256 255, बहुत अंतर नहीं है ना। सो अगर इसको करें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, खाली सीपीयू मल्टी कोर स्कोर का बात करें तो उसमें ऑब्वियसली ये बेस्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल में हम कहेंगे अभी भी
अच्छा सीपीयू में भी आ रहा है, देख रहे हो सीपीयू में भी क्लोज आ रहा है। अच्छा ऐसे ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, देखा जाए ज़रा पैसे के हिसाब से। हर वेरिएंट को देखते हैं, सबसे पहले 72,000 सब पे बनाएंगे, थोड़ा सा एक्चुअल डेटा आ जाएगा ना तब सब पे वीडियो बनाएंगे। इसको लेना चाहिए 8645HS 3050 और 100% SRGB। हाँ लेकिन एक क्विक डिलीवरी है, इसको यहाँ रहने देते हैं। क्विक डिलीवरी प्रेफर AMD है ना, ये है कंसिडरेबल। CPU का परफॉर्मेंस देखो ना, बहुत अंतर नहीं, बहुत अंतर नहीं, ठीक है ना। मे भी थोड़ा सा ही ज़्यादा हो मल्टी में, फिर भी अपन बोलेंगे मैक्सिमम लोगों को इसमें जाने के लिए। इंटरन में पड़े जिडिस्ट हो तो ले लो, अगर 80,000, 80,000 में 8645HS और 4050। 4050 कितने का है सबसे सस्ता वाला? 70 का। तो अगर 80 तक आ रहे हो तो मतलब बनता है इसको लेने का, AMD को जैसे ले सकते हो है ना। इस दोनों को कंपेयर करो, अगर हर चीज में तो नीचे वाला अच्छा है, पर बैटरी में भी एवरेज को ऐसे लिख देते हैं, एवरेज 23 डेज पेंडिंग डेटा प्लस, नहीं पहले लिख देना चाहिए फॉर बैटरी। ठीक है ना, ये बैटरी का स्पेलिंग बहुत अच्छा लिखे हैं। मेन वो रीज़न है इसको यहाँ रखने का, वरना हटा दिया होता। 8645HS, अच्छा ये कल वीडियो बना दी स्लिम वाला नहीं। 8845HS 4050, 8645HS 4060, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना। चलो आप कम से कम 90,000 में लोग आता, भैया इतना पैसा नहीं है, 90,000 ही है, 90 के कम ही है, 90 में कुछ बताइए। लो ले यहाँ लैपटॉप ला, ठीक है शीट में डाल दिया गया है। आई थिंक हर इसका ना सेंस बनाता है, जितना अपने रेंज में है ना लगभग सब सब सुनाता है। परफॉर्मेंस देखोगे ऑब्वियसली इंटेल का थोड़ा बेटर है, लेकिन चार्जर बैटरी पी जाता है, बैटरी पी जाता है एकदम। वो HX CPU है ना, 8645HS के बारे में जरा सा आपको बात करना था, क्योंकि शीट ऑलरेडी है इस पर, वीडियो ऑलरेडी है बढ़िया बढ़िया, तो थोड़ा सा जरा इस पर बात करें। कौन सा CPU है? 13650। अच्छा रुको 2 मिनट दो, ये कहाँ लिखे हैं जी? 8845H अच्छा HS 8845H और 8845HS TDP में ही डिफरेंस होगा इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। AMD का वेबसाइट खोलना, अच्छा 8845H इज फॉर चाइना और 8845HS है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा आज हमको पता चला, हम सोचते रहते हैं सारा दोनों में अंतर क्या है भाई, सब कुछ तो सेम है, कुछ तो अंतर नहीं है। अब समझ में स्पेशल है ना चैनल, देखे किस 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 लैपटॉप में आया है CPU, कितना बेंचमार्क है जी आपके पास। ई वो बेंचमार्क है, वो भी आइडिया पैड प्रो को, इससे क्या होगा, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है मना। अच्छा रुको 2 मिनट दो, लाते हैं एक्चुअल बेंचमार्क। अरे हर चीज तो हमको रियलाइज हुआ ग्लोबल लॉन्च है क्या ये भी? एक भी गीगबेंच बेंचमार्क नहीं, सबसे पहले गीगबेंच चलाता है, एक भी टाइम स्पाई पे बेंचमार्क नहीं, और जो हम तुमको अभी नहीं दिखाया शीट वगैरह वो लीजन का स्कोर था, इसका स्कोर नहीं था, इसका स्कोर नहीं था, माई बैड आई डिडंट रियलाइज दिस, ये इसका स्कोर नहीं है। कहाँ पे लाल हटाए थे? अच्छा
है ना, कि कोई इसका स्कोर नहीं है सर। अच्छा, ग्लोबल लॉन्च है यार, बताओ। देखें कितना यूट्यूबर, अब तो जनवरी का बहाना नहीं है ना कि हाँ जनवरी में एड रेवेन्यू कम आता है तो नहीं खरीदेंगे। अब तो खरीदेगा ना कोई ना कोई, अब तो लाएगा कोई ना कोई बेंचमार्क इसका, अब तो खरीद लो भाई, अब क्या शर्माना, अब तो खरीद लो। जितना बेंचमार्क वगैरह है सब पे थोड़ा सा वेट करते हैं कम से कम। तो हम यूट्यूब सर्च एक भी नहीं मिला सर, एक भी क्यों नहीं है? तब हमको याद आया, अरे ये तो जैसे अपना इंटर लॉन्च हुआ था वैसे ये ग्लोबल लॉन्च, तो मतलब जो लोग रिस्क लेना चाहते हो, खरीदने के लिए तैयार हो, मिलो इंस्टा पे, जहाँ तक होगा हेल्प कर पाएंगे। लेकिन जब तक एक्चुअल कोई बेंचमार्क नहीं दिया है, मत एक्सपेक्ट करना कि कर पाएंगे, कोड वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है ना। जो एटलीस्ट 72 से 93, हम बताएं ऑनेस्टली, हम ये वाला सीन सही लग रहा है, ये जो दो लैपटॉप ये सही लग रहा है, लास्ट ईयर भी ये बहुत लोगों के दिल में है ना। जिसको कम पैसा में मैक्सिमम गेमिंग है उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, उसमें तो सीधा अपना ये रहा 40-60-76 हज़ार का। बहुत बाप रे, कितना लोग खरीदा है ई लैपटॉप, ई लैपटॉप बहुत जल्द खरीदा है 70 हज़ार में। 40 50 मैसेज में मैसेज मैसेज मैसेज, जो अब तो डालना भी भूल गए, पहले डाल देते थे, डिलीवरी होगा तो डाल देंगे, कौन सा ऑर्डर नंबर किसका है तो डाल ही देते हैं। लेकिन जिसको खाली 40-60 से मतलब है 76 हज़ार का ये है, जिसको खाली 40-50 से मतलब है कहाँ गया, ये वाला है, ये वाला है। अच्छा दो लैपटॉप है क्या? अच्छा एक क्विक डिलीवरी एक लेट सा, अंतर क्या है दोनों में? अच्छा एक एक टीबी एक 512 GB, ठीक। तो ये दोनों ऑलरेडी है, खाली 40-50 और खाली 40-60 चाहिए। जो लोग उससे कुछ ज़्यादा खोज रहा है ना, एंड मेन थिंग जो हम लिखे हैं बैटरी है ना, गेमिंग लैपटॉप है कायदे से बैटरी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको पता है खोजोगे कोई ना कोई लोग बैटरी के बारे में, बैटरी खोजोगे, ठीक है। कर दिया गया है शीट ऐड, वीडियो लाइव होते होते वेबसाइट में मिल जाएगा, वेबसाइट है NI6HAMT, यहाँ जाइएगा लैपटॉप डेस्कटॉप सेक्शन में, ये एक्सेल पे क्लिक करिए, अब बेस्ट वर्जन है एक्सेल यूज़ करिए, बाकी भी कर देंगे अपडेट, नीचे भी आ ही जाएगा, बट एक्सेल यूज़ करो, एक्सेल बेस्ट है, नहीं तो यहाँ पे। एंड प्लीज 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 इंस्टा पे DM जरूर कर लेना, लेने से पहले।